मम्मी ये क्या कर रही हो? अरे तेरी शेरवानी का नाप ले रही हूँ पगले, क्योंकि टेलर को बुलाती तो तुझे पता चल जाता और सरप्राइज चौपट हो जाता। मम्मी मैं अपनी पलटन के साथ जरूरी मीटिंग बीच में छोड़कर आया हूँ, बताओ ना क्या कर रही हो? अरे अरे हिलो नहीं, सीधे खड़े रहो। डॉक्टर अस्थाना ने कहा है तुम्हारी लंबाई चौड़ाई नापने को, ताकि पता चल सके कि तू सही से बढ़ रहा है कि नहीं। मम्मी भी ना कभी कभी विवान की तरह झूठ बोल ही लेती हैं। तो मम्मी इंस्टेबल यूज करना चाहिए ना, ये उंगल फुंगल क्यों? अरे माँ का हाथ ही सबसे सटीक इंस्टेप होता है, पता नहीं तुझे? करुणा जी, करुणा जी। अरे देव आओ आओ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली करुणा। अरे खड़े नहीं रहो, बैठो भी। तुम दोनों को भी हैप्पी दिवाली। बोलो कैसे आना हुआ? वो दरअसल हम आपको शुक्रिया अदा कहना चाहते थे। चक्कर क्या है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ये भाई मेरे पीछे पीछे पहुँच जा रहे हैं, मगर क्यों? आपकी वजह से हमें रहने के लिए घर मिल गया, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करने आए। और इस बार आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हम ये मिठाई आपके लिए लाए हैं। हमारे दादा के दादाजी ने कहा है अगर तुम किसी को दिल से मिठाई दो तो इस खास ट्रे में देना। जी अब लीजिए। संभाल कर, दरअसल हमारे दादा के दादा के दादा के दादाजी के पास ऐसी दो ट्रे थी, एक टूट गई तो हमारे दादा के दादा के दादा के दादाजी अभी तक दुखी है। सीधा बार दादा बोल दो ना, और इतना फेंक क्यों रहे हो? तुम्हारे पर दादा अभी भी जिंदा है? हाँ जिंदा है ना, यहाँ पर, इसलिए अगर ये ट्रे टूट जाएगी तो यहाँ पर दर्द होगा ना। ओहो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो देव, मैं अभी दूसरी प्लेट में इससे शिफ्ट कर देती हूँ तो तुम्हारी पुश्तैनी ट्रे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। खुशी तब तक तू देखना, हाँ विवान इनके दादा के दादा के दादा के दादा को छुए ना। अरे मम्मी मम्मी भैया और दीदी के लिए चाय भी ले आना। हाँ हाँ जरूर बेटा। बेटा तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? नाम ही नहीं, मुझे तो ये भी पता है कि कई सालों पहले आपने परीलोक से एक छोटी बच्ची को बाहर निकाल दिया था। ये सब तुम्हें कैसे पता है? कौन हो तुम? क्योंकि जिस बच्ची को आपने परीलोक से बाहर निकाला था वो बच्ची मेरी दोस्त बन गई थी। दिन रात रोती थी बेचारी अपनी परी माँ को याद करके। परी माँ मुझे अपने से दूर मत करो, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो परी माँ, मुझे मत निकालो माँ, मुझे बचा लो माँ। उसने तो आपके लिए खाना पीना तक छोड़ दिया था क्योंकि वो सिर्फ एक चीज चाहती थी, परी लोक में अपनी माँ के पास वापस जाना। तिमनासा काल लोक की बहरानी है, इसे परियों के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? वही तो। लेकिन ये सब तो बहुत सालों पहले की बातें हैं, और अब तक तो वो बच्ची बड़ी हो गई होगी, तो वो तुम्हारी दोस्त कैसे बन गई? लगता है तिमनासा की योजना का पर्दाफाश होने वाला है। तुम चुप क्यों हो, बोलो। वो इसलिए क्योंकि उस बच्ची को कभी बड़ा न होने का श्राप मिला था, और वो तब से लेकर अब तक कैद में है। क्या श्राप, कैद? किसने उसे श्राप दिया है और कैद में कहां पर है वो? आपको बताकर क्या फायदा, मैं तो उस जगह से भाग निकली, लेकिन पता नहीं मेरी दोस्त का क्या हाल हो रहा होगा वहां। कहाँ की बात कर रही हो, किसने उसे श्राप दिया है? काल लोक की किसी बुरी शक्ति ने उस पर श्राप डाला था।
और वो बरसों से वहां कैद में है, और ये सब हुआ है आपकी वजह से। अगर आप उसे परीलोक से बाहर नहीं निकालती तो ये सब नहीं हो रहा होता आज उसके साथ। क्या आपका दिल कभी नहीं दुखा उस बच्चे के लिए? क्या आपके दिल में कभी भी उस बच्चे के लिए प्यार नहीं था? अब फंसेगी पाल परी ममता के जाल में। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बच्ची मेरे लिए मेरी बेटी जैसी थी। तो फिर जाओ और अपनी बेटी को कालोक से बचा के ला। हाँ, मैं जाऊंगी कालोक, मैं बचाऊंगी उसे, मैं उसे बचा कर ले आऊंगी वापस। तो फिर आ मेरे साथ। जिस गुप्त रास्ते से मैं कालोक से भाग कर आई हूँ, उसी गुप्त रास्ते से मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। चलो मेरे साथ। बालवीर, तुम विवान की सत्य परीक्षा पूरी करो, उससे पहले मैं अपनी बेटी को छुड़ा कर ले आती हूँ। मेरी मम्मी आपको बेटा बोलती है और मैं आपके दादा के दादा की प्लेट को छू भी नहीं सकता। बहुत नाइंसाफी है रे। अरे विवान, तू तो सलमान भाई के डायलॉग्स बोलता है ना, तो आज गब्बर सिंह के क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये डायलॉग सलमान भाई के पापा ने ही लिखा है और ये यहाँ पर फिट है। ये भैया मेरी फैमिली चुराने आए हैं। अरे विवान, मैं तो तुम्हें भी चुराना चाहता हूँ, अपना प्यारा भाई बनाना चाहता हूँ, मतलब हमारा ब्रो। यही समय है विवान की सत्य परीक्षा लेने का। वैसे विवान, ये मिठाई बहुत अच्छी है, तुम ट्राई कर सकती हो, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। वैसे खुशबू तो अच्छी आ रही है, और आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो चख ही लेता हूँ। अरे विवान, मम्मी ने ट्रे छूने से मना किया है ना? मम्मी ने तो ट्रे छूने से मना किया है ना, मिठाई छूने से थोड़ी ना किया है। नहीं विवान, रुक जाओ प्लीज, मम्मी प्लेट ला रही है ना, उसमें मिठाई चली जाएगी, फिर खा लेना। अरे बस एक ही टुकड़ा। अरे दीदी, लाइफ में कभी दो चीजें अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए, सलमान और विवान। अरे नहीं विवान। अरे एक ही टुकड़ा लूंगा। बस कुछ ही पल और बालपरी सीधा काललोक में। मैं भी देखती हूँ अब कैसे होता है वीर तिलक। दादा के दादा के दादा के दादा के दादाजी, ट्रेन टूट गई।
शायद मेरे हाथ लगने से टूटी है। थाली तो मेरी गलती से टूटी है, मिठाई के चक्कर में। मैंने पूछा कैसे टूटी है? यही तुम्हारी परीक्षा है विवान, तुम करुणा जी को सच बताओगे या झूठ, तुम खुशी को बचाओगे या खुद को। मैंने पूछा कैसे टूटी ये? नहीं मम्मी, इस बार मेरी गलती है, I'm sorry। देव माफ कर देना बेटा, तुम्हारी तुम्हारी इतनी कीमती पुश्तैनी ट्रे ऐसे। अरे करुणा जी माफी मत मांगी, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, ट्रे का क्या है। हाँ करुणा जी, हम हमारे दादा के दादा के दादा के दादा से माफी मांग लेंगे दिल से। हम चलते हैं यहाँ से, नमस्ते। के स्टाइलिश सितारा कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई तो मुझे बहुत सैड वाली फीलिंग आएगी। राम भाऊ मुझे गोष्ट आएगा, अगर मेरी सुतली की आंख में एक भी आंसू आया ना तो बहुत बुरा होगा। आपको पता है ना कि बच्चों की आंख में आंसू लाना मतलब भगवान की आंख में आंसू लाना होता है। राम भाऊ आएगा, मुझे गोष्ट आएगा दी। मैं आपको हर महीने टाइम पे किश्त देती है ना, तो दे दो ना मेरा पैसा वापस, दे दो ना। हाँ ठीक है, बरे। ये बाजा गोड़ बार, ये इतने तेरे लिए ना मैं 500 रुपये जमा करती थी 5 साल से हर महीने, वो सारे पैसे मिलेंगे ब्याज सहित। मतलब मेरी ड्रेस पक्की? ड्रेस भी पक्की और घर की पुताई भी पक्की। You are the best mom in the world। कैसे इतनी लापरवाही कर सकती है तू खुशी? तूने सुना नहीं था क्या कितनी इम्पोर्टेंट रही थी ये उनके लिए? सॉरी मम्मी, गलती हो गई। गलती तो मेरी भी है, लेकिन बोलू कैसी? जब मम्मी दीदी को इतना डांट रही है जो 12 महीने में एक गलती करती है, तो मेरे साथ क्या करेगी? मैंने अगर गलती मान ली तो मुझे तो 10 दिनों के लिए घर में कैद कर देगी, फिर शेरवानी का क्या होगा? बेस्ट ड्रेस स्केट कॉम्पिटिशन कैसे जीतूंगा? भला इसी में है विवान, किधर से हवा हो ले। ये विवान तो सत्य परीक्षा में भी नाकामयाब रहा। अब अपनी गलती खुद ही सुधारो, मैं नहीं साफ करने वाली इसे। हमारी सत्य परीक्षा के कारण खुशी की आंखों में आंसू, मुझे माफ करना खुशी। ये क्या कर लिया तूने? हाँ ये मेरा ज्यादा लगी है क्या? क्या खुशी, रुक मैं तेरे लिए पट्टी लेकर आती। बालवीर देखो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। बस बेटा बस बस बस, क्या हो गया है तुझे खुशी? हाँ पहले ट्रे तोड़ दी, अब उंगली कटवा ली अपनी, तो विवान जैसी हरकतें क्यों कर रही है बेटा? बता
क्यों की विवान जैसी हरकत तूने? विवान जैसी नहीं, विवान की हरकत से टूटी है ये ट्रे। इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। सत्य परीक्षा में सफल हो गया विवान। नहीं मस्ती परी, अभी कुछ नहीं कह सकते। ये बच्चा दिल और दिमाग दोनों से कच्चा है, कभी भी पलट सकता है। दिमाग से कच्चा हो सकता है पर दिल से नहीं। अगर वो दिल का कच्चा होता तो ऐसे वापस आकर अपनी गलती नहीं मानता। मैं बालपरी को जाकर ये खुशखबरी सुनाती हूँ। दीदी मुझे माफ कर दो, सॉरी। और आप भी ना मम्मी, एक तो दीदी को चोट लगी है और ऊपर से आप उनको डांट रहे हो। अगर मैं होता तो चल जाता, डांट सुन सुन के मेरे तो कान के पर्दे मजबूत हो चुके हैं, पर दीदी को तो प्रैक्टिस नहीं है ना। हो बोलो नहीं सुनो। बड़े आए बहन के रक्षक, मुझे ही सिखाने लगे कब किसे कैसे डांट लगानी है। विवान को डांटने की जरूरत नहीं है मम्मी, ये मेरी गलती अपने ऊपर ले रहा है। ये ट्रे मेरे हाथ लगने से गिरी है। नहीं दीदी, नहीं मैं मिठाई के लिए जिद करता और ना ही आपको गुदगुदी करता और ना ही ये ट्रे टूटती। इसमें मेरी ही गलती है, सॉरी। इधर आ, कितना अच्छा लग रहा है तुम दोनों का इस तरह एक दूसरे के लिए प्यार देखकर। अरे भाई बहन तो आजकल एक दूसरे से लड़ा करते हैं और तुम दोनों एक दूसरे के लिए लड़ रहे हो। चलो गलती किसी की भी हो, लेकिन तुम दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार देखकर और विवान को पहली बार सच बोलते देखकर मैंने तुम दोनों को माफ किया। अब खुश? छोटू तुम तो सही में इस परीक्षा में पास हो गए, मुझे अब ये बात माँ को बतानी होगी। बस कुछ ही पल में अब बालवीर की माँ काल-लोक की मेहमान होगी। बालपरी, इस कमबख्त मस्ती परी को भी अभी आना था, कहीं बालपरी ने इसे सच बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा। बालपरी, मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आई हूँ। विवान ना सत्य परीक्षा में सफल हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बालपरी, बस एक और परीक्षा बाकी है और इसीलिए मैं आपको लेने आई हूँ। मैं ये परीक्षा कभी पूरी नहीं होने दूंगी। चलिए बालपरी। क्या हुआ बालपरी, चलिए ना। वो मेरा काम अभी तक यहाँ खत्म हुआ नहीं है, तुम चलो मैं आ जाऊंगी। शाबाश बालपरी, शाबाश। विवान? हाँ मम्मी। रुको नहीं, खेलने जा।
और अपना ध्यान रखना बेटा। आप सही कह रही, कहाँ चली गई ये मस्ती? मस्ती? ओ, तो ये बात है, सब कुछ चुन लिया है मैंने। बोलो मस्ती के बारे में बताओगे या फिर मैं बताऊं? कौन कौन मस्ती? कौन नहीं, क्या मस्ती? रुको, हरकतों के साथ ग्रामर भी गड़बड़ है तुम्हारी। मेरे घर में वो ट्रे लाकर मुझे मम्मी से डांट पड़वाना, ये तुम्हारी मस्ती थी ना? हाँ? नहीं नहीं पार्टनर, वो मेरी मस्ती नहीं, मैं दिल से लाया था तुम्हारे लिए। दिल से तो सिर्फ तुम ताका जाकी करते हो मेरे घर में, टाइम पास करने के लिए? तुम्हारे पास और कोई तरीका नहीं है क्या? ओ हेलो, धरती पर टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूँ मैं ब्रो। तो धरती पर क्या करने आए हो? जहाँ मैं जाता हूँ वही पहुँच जाते हो। ओहो, ये बात तो मैं भी बोल सकता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम पहले से ही होते हो। एक्सक्यूज मी, ना ही तुम सलमान भाई और ना ही मैं तुम्हारा फैन हूँ, जो तुम्हारे दर्शन के लिए मैं कहीं भी पहुँच जाऊँ। तुम विवान के पीछे, विवान तुम्हारे पीछे। टू मच फन। टू मच फन तो तब होगा पार्टनर जब हम दोनों मिलकर बुराइयों का सामना करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी तीसरी परीक्षा लेनी होगी, माँ और मस्ती परी के साथ मिलकर।